दोस्तों, गूगल असिस्टेंट गूगल का एक ऐसा फीचर जिसके जरिए हम बातचीत करके इससे अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। लेकिन गूगल असिस्टेंट की जो हिस्ट्री होती है, यानी कि हमने इसमें क्या क्या सर्च किया, उसको कैसे डिलीट करें, यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई फालतू बात किए बगैर। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आपको गूगल असिस्टेंट की हिस्ट्री चेक करनी है तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट लॉन्च करें इन कीज़ की सहायता से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, अपनी हिस्ट्री को चेक करने के लिए पहले कोई सा भी एक आंसर, समझ गई। गाना अंताक्षरी देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली अपनी गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री चेक करने के लिए कोई भी एक आंसर गूगल से पूछो, ठीक है। कोई भी सवाल यहाँ पे माइक के आइकन पे टैप करके पूछो और उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको आपकी सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। ये देखिए, मैंने पिछले 5 डेज में क्या क्या सर्च किया, क्या क्या नहीं, सारी जानकारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पे, ठीक है। उससे पहले मैंने अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था, तो आज मैं आपको भी बताने वाला हूँ गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री को मैंने कैसे डिलीट किया था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर आना है, ठीक है। कोई भी गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ पर डालिए माई एक्टिविटी, माई एक्टिविटी, और माई एक्टिविटी को सर्च करें। सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेलकम टू माई एक्टिविटी पर क्लिक कर दें। रिजल्ट में आप एक नए वेब पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से अपनी गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको डिलीट एक्टिविटी वाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिलीट एक्टिविटी वाई पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऑल टाइम कस्टम रेंज पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, कस्टम रेंज पर क्लिक करना है। और कस्टम रेंज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। ध्यान से देखें सभी स्टेप्स को और आप आसानी से गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें और किसी की भी हिस्ट्री को या एक्टिविटी को डिलीट नहीं करना है, हमें सिंपली डिलीट करना है असिस्टेंट को। तो यहाँ हम सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे, ठीक है, इसको अनचेक कर दें इस तरीके से, और असिस्टेंट के ऑप्शन पे रैंडमली क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को डिलीट करना चाहते हैं। ये देख सकते हैं मेरी गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री यहाँ पर भी शो हो रही है। तो यहाँ पे आप सभी हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली डिलीट के आइकन पे नीचे दिए गया है ये डिलीट का डिब्बा दिया गया है बॉक्स, उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करते ही गूगल असिस्टेंट की हिस्ट्री आपके यहाँ से गायब या डिलीट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री डिलीट करने में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कॉमेंट्स में पूछें, हम आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, कुछ नया सीखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।